दोस्तों, अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर बिना लालच के की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों युगों से चला रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते हैं। गाय को सनातन घर में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और सम्पन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा बिना किसी लालच के होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती तो उस घर में अचानक से किसी भी प्रकार के विघ्न और बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में भी रहते हैं, तो वहां पर गाय पालना संभव नहीं होता। लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है, लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी है वो चीजें जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए, आज हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वे अगर गाय को आते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसीलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वे गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म हो जाती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं, गाय के मस्तक को छूकर आप अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये था कि गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, लेकिन रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो एक दिन की पहली रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं, वे नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है, फिर वे अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वो रोटी बासी ही कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए, इससे घर में परेशानी आती है। और आप ऐसा अगर करते हैं तो अपनी आदत को बदल दीजिए, इससे घर में तकलीफें हो सकती हैं। गाय को हरा चारा तो हर कोई डालता है दोस्तों, लेकिन हरा चारा खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाना। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है, तो उसमें कुछ अच्छी चीजें तोड़कर आप रख लेते हैं और बचा खुचा आप गाय को खिला देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप जो देंगे वो गाय खाए ही लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिए तो ज्यादा फायदा आपको होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए, आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बचा हुआ, परंतु गाय को भूलकर भी मत देना, ये चीजें बिल्कुल भी ना खिलाएं, नहीं तो घर में गरीबी आ जाती है, माँ लक्ष्मी वास करना छोड़ देती हैं। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहाँ आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता, जिस भाग पर मकान बनाना हो तो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वे जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी असुरी शक्तियों का नाश हो जाता है दोस्तों, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों, गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं जा रहे हो तो गाय आपका मार्ग रोक दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना गया है। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। दोस्तों, गाय के समीप अगर आप जाते हैं तो आपको कोई भी संक्रमण हो, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम आदि, आश्चर्यजनक रूप से अपने आप ही बिना दवाइयों के नाश हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना गया है, और काली चितकबरी गाय का ऐसा करना और भी ज्यादा शुभ माना गया है। पंछी गाय, दोस्तों जो पंछी गाय होती है वे कई रोगों में लाभदायक है। पंछी गाय में क्या होता है दोस्तों, गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर के रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है।
दोस्तों ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंछी गाय से ना किया जा सके। दोस्तों आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने की बजाय उनका सही उपयोग करने की बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद ये सुनकर आपको बुरा तो ज़रूर लगेगा पर यह सच है। और गाय को रोटी देने से ना केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत भी होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सकें तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मॉडल युग में जहाँ लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी तो दे ही सकते हैं, कम से कम रोटी देकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, आपके घर में बरकत होने लगती है। दोस्तों हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन समय के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकते हैं ना। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते तो जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन विदेशों में रहते हैं तो उनको गाय नहीं मिलती, वे पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, आप गाय के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहें तो कभी इंडिया आएं तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहें तो वहीं पर किसी गरीब को गाय के नाम की रोटियां खिला दें, या फिर किसी अनाथ आश्रम में चले जाएं। दोस्तों किसी भी सफ़ेद दूसरे पशु को आप भोजन कराएं, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी तो ज़रूरी खिलाएं। दोस्तों हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का ये प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या ये सही है या गलत? दोस्तों हम झूठा खाना बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वे गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें कि रामायण काल में गाय माता को एक श्राप मिला था, उसी वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको जूठा खाना खाना पड़ता है, यहाँ तक कि गाय पॉलिथीन भी खाती है, हालांकि ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। दोस्तों हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहले एक रोटी गाय की निकाल दें, इसके बाद ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए आपको रोटी सेकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गाय के उस रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दें, गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर गुरुवार का दिन हो तो लोई लिए हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें। आपके जीवन में शुभता आती है, वैभव धन संपत्ति तथा शक्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में तो आप देखेंगे कि आपको तुरंत मिनटों में हासिल हो जाता है। दोस्तों इसी तरह आपको एक नमक का उपाय बताते हैं कि नमक क्या है। नमक के बिना तो दोस्तों हमारा हर स्वाद अधूरा है, और साथ ही साथ अगर नमक ना हो जीवन में तो स्वादहीन हो जाता है जीवन। जितना हम खाने में नमक को जरूरी मानते हैं उतना ही ज्योतिष में नमक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इसे कर्ज की वस्तु माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उसका कर्जदार हो जाना। आपने तो सुना ही होगा नमक का कर्ज अदा करना है। इसीलिए अगर आप जीवन को शुभम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का ये आसान सा प्रयोग आपको आज हम बताएंगे। आप देखिए कितने पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेंगे। और ये उपाय इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है, उस पर थोड़ा सा नमक रख दें। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि कौन सा नमक रखें, तो सबसे बेस्ट है आपके लिए सादा नमक। दोस्तों सादा नमक जो भी है आप वो रखें, काला नमक नहीं रखना है, आपको सफेद नमक ही रखना है। तो नमक रख लें और फिर इस रोटी को इसी कपिला गाय को आपको दे देना है। कपिला गाय यानी सफेद रंग की गाय को आपको खिला देनी है। अगर आपको कपिला गाय यानी कि सफेद गाय नहीं मिलती तो आप इसी रोटी को किसी भी गाय को खिला दें। आपको बता दें कि ये उपाय आपकी हर समस्या को दूर कर सकता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी मुसीबत हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, सब खत्म हो जाता है। इस उपाय को करके आपके घर में सुखाभास होने लगता है। जो भी धन की कमी थी वो दूर हो जाती है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, करियर में सफलता मिलती है, सभी मुश्किलें अपने आप दूर होने लगती हैं। लेकिन गाय को रोटी देते वक्त मन में ऐसी कोई भावना लगाकर ना रखें कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हमसे बड़ा दानी कोई नहीं है, अन्यथा स्थिति में फल की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसे अपूर्ण माना जाता है। बुरे भाव से गाय को रोटी देने से बुरा ही फल प्राप्त होगा। दोस्तों गाय को रोटी खिलाने से बरकत के अलावा आप देखिए कि धन संपत्ति में बढ़ोतरी होने लगती है और आपके घर के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। अगर आपके घर में धन की कमी है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय किसी भी दिन करें, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय गौ माता की। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।